बात हुआ है, कंजक्टिवाइटिस नहीं हुआ है मेरे को, मेरे को हुआ है एक सीवियर एलर्जी जिसको ठीक होने में 15 दिन लग जाएगा। सुबह सुबह छिल रहे हैं हम सुट्टी, क्योंकि हो गया है भ्रष्ट मेरा बुद्धि। तो आज नाश्ते में है हमारे पास वड़ा। मम्मी ये वड़ा तो बीच में छेदा होता है ऐसे ऐसे करके, ये कैसे वड़ा बनाई है? पकौड़ी बनाई है, छेदा बन गया। साथ में छोला मुड़ी, मतलब अपने मायके हम आए और मेरे को कुछ हो ना, ऐसा हो सकता है क्या? बिल्कुल भी नहीं। लास्ट टाइम आए थे पैर तोड़ाए थे, और इस बार आए हैं पूरा आंख लाल करवा लिए हैं अपना। गजब की एलर्जी हो गई है, गजब की, कि मेरे को चश्मा पहन के घूमना पड़ रहा है, आंख पूरा लाल हो रखा है, स्वेल कर गया है। है ये कंजक्टिवाइटिस, लेकिन मम्मी बोल रही नहीं कि तुमको किसी चीज़ से रिएक्शन हुआ है। तो आज हम चल जाएंगे डॉक्टर के पास दिखाने के लिए। लेकिन क्यों होता है मायके आने के बाद ये सब? सच में नहीं आएंगे अब से हम मायके, ठीक है मम्मी? हमारे करीम नगर में पट्टल नहीं मिलता है परवल, तो मम्मी बोले भाई मेरे को जी भर के परवल खिला दो। तो आजकल नाश्ते में रोज मेरे को परवल मिलने लगा है, इतना मिल रहा है कि अब कुछ दिन के बाद ना मेरा मन ना खाने वाला है, कि अब हम बोलेंगे मम्मी अब परवल मत ही बनाओ, क्योंकि अब बस हो गया है देखो। और हम लोग कर जा रहे हैं थोड़ा हेयर मेक ओवर के लिए वंशिका का और उसकी नानी का, और लगे हाथ सोच रहे हैं हम भी करवा लेंगे। चलो आप भी साथ में। Nothing seems to happen, but the last itch is gone. I hope somewhere your voice promises less and us more, but still my pillow's on the floor. Anyone could say that we are never assured. For things we're dreaming of are always out of the store. Pages, light of pages to forget, I'm so bored to say. हम अपने आँख को दिखा करके आई चेकअप करवा के, मतलब मेरा हाल ऐसा हो गया है ना कि कभी हम दांत वाले डॉक्टर के पास जा रहे हैं, कभी आँख वाले के पास जा रहे हैं, ऐसा लग रहा है हम घर आए हैं ना खाली हॉस्पिटल का राउंड मारने के लिए। मेरे से पहले वंशु को हो गया था, तो वंशु को लेके गए, और आँख का भी हालत देखो क्या हो रहा, कैसे सूज जाता है ना पकौड़ा जैसा कि कुछ मन ही नहीं करता है मेरे को। और ये आँख के कारण ये पूरा दर्द हो गया है, ये पूरा दर्द कर रहा है, बॉडी एकदम बेइंतहा दर्द कर रहा है, कोई रिलीफ नहीं है बॉडी पेन में। इवन आज ऐसा था कि मेरे को शॉपिंग ढेर सारी करनी थी, बट मेरे को हिम्मत नहीं बना कि हम थोड़ा वॉक करके जा करके शॉपिंग कर लें, मेरे बॉडी में इतना पेन हो रहा था। तो कुछ नहीं, फ्रूट सलाद लिया जो कि बहुत यमी है, मैं यहाँ पे डाल दूँगी देखना आप एक बार, क्या गजब का फ्रूट सलाद था। लेकिन मैं खाना स्टार्ट किया ना तो इतना सारा था वो, कि फिर मैं पैक करा के घर ले आई। अब हम घर में आराम से बैठ के खाएंगे, वो वहाँ पर रखा हुआ है, वो देखिए वहाँ पर। अभी तो मम्मी ने ग्लूकोज बना के दिया है, मतलब कितना फ़ायदा होता है ना ऐसे माँ घर में रहने से। हम एकदम मस्त टहल करके आए हैं, मम्मी खाना बना के रख दी है, ग्लूकोज मिल रहा है, वंशु को मम्मी ने सुला दिया है, मतलब मज़े ही मज़े हैं मेरे, एकदम मज़े ही मज़े हैं। क्या मम्मी सही है? सही है, हम आपका कोई हेल्प नहीं करते हैं ना, सच सच बता दो। आज खाली ऐसे ही बोल रही है अपने ससुराल में जाके करूँ, हमें यहाँ पे जब मूड में आएगा तो बोलेगी कोई हेल्प नहीं करती है मेरा। बोलो बोलो, सच बोला करो, सच झूठ नहीं बोला करो। हम तो सब फ्रेश फ्रेश हो जाए, अभी हम जस्ट आए हैं हॉस्पिटल से, उसके बाद हम बतियाएंगे आपसे बैठ करके। हम 15 दिन तक कुछ नहीं लगा सकते अपने आँख में, नो काजल, नो मस्करा, नो आईलाइनर, कुछ भी नहीं। सोचो ऐसे आंख लेके हम घूमने वाले हैं हर जगह, ऐसा ही वीडियो मिलने वाला है आपको।